नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में, जिसमें हम रिपोर्टर से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विधानसभाओं का हाल। तो आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रुख करेंगे, वहां की अलग अलग विधानसभाओं के बारे में हालात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महज अब बीच में दो दिन का समय बचा है, शनिवार और रविवार, फिर सोमवार को मतदान होना है और एक ही चरण में 70 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे और फिर उसके बाद 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तराखंड की जनता ने किसे चुना है। तो देहरादून और रुद्रप्रयाग का आज मैं रुक करूंगी और यहां से मेरे सहयोगी सुभाष और पुष्कर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो खूबसूरत सा देहरादून और यहां की खूबसूरती ही अलग है। जब सुबह की धूप निकलती है और जब पहाड़ियों पर पड़ती है तो वो नज़ारा ही कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि मैदानी इलाकों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड वासी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो ऐसे में अपनी मेहनत को लेकर वो किस तरह से जागरूक हैं और सरकार को लेकर कितने जागरूक हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे देहरादून में भी और रुद्रप्रयाग में भी। देखिए, देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं और वहीं अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं, बहुत ही खूबसूरत केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। तो ये देखिए, केदारनाथ तो वैसे ही मशहूर है, लेकिन 2013 में जिस तरह से वहाँ प्रलय आया था उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी वहाँ पर लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी, लेकिन एक बार फिर से केदारनाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ये कहें कि जिंदा हुआ और वहाँ पर लोग फिर से बसे हैं, बसावट हुई है, लोग जा रहे हैं और एक बार फिर से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। तो फिलहाल कपाट बंद है, लेकिन जल्द ही कपाट खुलेंगे और उसकी तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। लेकिन इसी बीच 14 तारीख को मतदान होना है और मतदान को लेकर क्या तैयारियां की हुई हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वहां की जनता ने इस बार क्या सोचा है, क्या 5 साल जनता खुश है और इसी कड़ी को वो आगे बढ़ाना चाहती है, या फिर बदलाव की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। सबसे पहले देहरादून का हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी सुभाष भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, तक क्या मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सुभाष, देहरादून राजधानी, 10 विधानसभा सीटें, बहुत मुश्किल है यहां से सीटें निकालना, लेकिन बीजेपी के लिए कितना आसान है इस बार? ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून की जो शहर की सीटें, यानी कि जो नगर निगम का एरिया है, उसमें पहले से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि 5 साल में बीजेपी ने जो काम किए प्रदेश के लिए और खासतौर से जिला देहरादून के लिए, उनके कामों को लेकर भी इस बार जनता उनको वोट देगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजधानी देहरादून के इन 10 विधानसभाओं में से लगभग 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो पहाड़ पर भी स्थित है, चाहे उसमें चकराता की बात कर ली जाए, मसूरी की बात कर ली जाए, या फिर डोईवाला और ऋषिकेश का भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी भूल में माना जाता है। लेकिन इसके अलावा तमाम जो विधानसभाएं हैं, चाहे डोईवाला, इसके साथ डोईवाला, रायपुर, राजपुर की बात कर ली जाए, धर्मपुर की बात कर ली जाए, कैंट विधानसभा या फिर सहसपुर विधानसभा की बात कर ली जाए, या फिर विकास नगर की, तो ये वो विधानसभा है जो मैदानी है और इन क्षेत्रों में लगातार जनता जो है वो काम मांगती है कि राज्य सरकार या उनके प्रतिनिधि ने किस तरीके से 5 सालों में काम किया और उनके काम के आधार पर उन्हें वोट दिया जाता है। लेकिन इन सीटों पर कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की एक कट्टर सीट के तौर पर देखी जाती है और कुछ सीटें ऐसे हैं जो कांग्रेस के कट्टर के तौर पर देखी जाती हैं। लेकिन क्योंकि इस बार समीकरण इस वजह से भी अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कई बागी नेता चुनाव के मैदान में और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें राजधानी देहरादून के जिले में, तो उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं या बगावती जो सुर हैं वो इस बार कहीं कम नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की जो सीटें बुलंद थी, जिन पर उनको भरोसा था कि वो जीतेंगे, उनको जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपका सवाल था कि जनता क्या सोचकर इस बार वोट करेगी, बड़ी समस्या ये है कि जो समस्याएं लोगों की आ रही थी, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, शिक्षा व्यवस्था की हो, लाइट्स की हो, तो उन सुविधाओं को कितना 5 सालों में बेहतर राज्य सरकार ने किया, उनके प्रतिनिधि ने किया, उनका प्रतिनिधि का जो व्यवहार है उस क्षेत्र के लिए, काम करने का तरीका है उस क्षेत्र के लिए, उस पर भी जनता की नजरें हैं और उसके साथ ही तब वोट कहीं ना कहीं शेयर होगा। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो कहा जा सकता है कि
जो वोट परसेंट है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में भी कुछ परसेंट बटेगा, आम आदमी के जो मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं उनमें भी बटेगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। लेकिन अगर पूरे समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता की नजरें जो विधायक थे, उनके प्रतिनिधि थे, उनके कामों पर होगी और उनके काम के आधार पर कहीं ना कहीं वो वोट देते हुए नजर आएंगे। सुभाष, देखिए बीजेपी और कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है, आप भी बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बसपा भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा रही है उत्तराखंड में, और जब चंद्रशेखर आजाद वहां जाते हैं और दम भरते हैं तो एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्या इसका असर थोड़ा बहुत दिखाई देता है देहरादून की अलग अलग विधानसभा सीटों पर? काजल, मैं बता दूं कि बसपा का कोई भी वजूद देहरादून जिले के किसी भी विधानसभा में नहीं है, ना ही उनके कोई प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बसपा का जो गढ़ है वो हरिद्वार विधानसभा में देखा जा सकता है, और हरिद्वार में कई ऐसी विधानसभाएं हैं, चाहे वो झबरेड़ा विधानसभा हो, भगवानपुर विधानसभा हो, इन विधानसभाओं पर कहीं ना कहीं बसपा का असर देखने को मिलता है, और शायद यही वजह है कि वहां केवल बीजेपी कांग्रेस को ना गिनकर बसपा को भी ये कहा जाता है लीड पर लिया जाता है, और बसपा के बीच में भी कांटे की टक्कर मानी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से ऐसा नहीं है कि बसपा उत्तराखंड में कुछ कर नहीं पाई है, 8 विधायक जीतकर उनके विधानसभा तक पहुंचे हैं, और ये कहा जा सकता है कि वो केवल मैदानी क्षेत्र गए, और खासतौर से हरिद्वार जिले कहीं ना कहीं बसपा का गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन राजधानी देहरादून या पहाड़ की किसी भी विधानसभा में बसपा का कोई वजूद नहीं है और ना ही सपा का कोई वजूद इन क्षेत्रों में नजर आता है। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी के तौर पर इस बार उत्तराखंड पहुंची थी और उत्तराखंड के 70 विधानसभा में अपने प्रत्याशी भी उन्होंने उतारे, लेकिन ये जरूर है कि जीतते हुए कहीं ना कहीं पहाड़ों पर तो नहीं नजर आएगी, लेकिन वोट शेयर कहीं ना कहीं वो खींचती भी नजर आएगी, और उसका खामियाजा बीजेपी कांग्रेस को जरूर होगा, लेकिन ज्यादा जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सुभाष, आम आदमी पार्टी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं क्योंकि एक नई पार्टी जो है मैदान में उतरी हुई है। देखिए दिल्ली के विकास मॉडल की बात यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो कर्नल अजय सिंह कोठियाल है, वो करते हैं कि दिल्ली मॉडल पर ही हम उत्तराखंड में विकास करेंगे, तो जनता क्या उस मॉडल को समझ पा रही है, जनता कितनी जागरूक है, क्योंकि दिल्ली में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अंतर है। बिल्कुल साफ उसी बात है कि दिल्ली एक मैदानी क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी के तौर पर दिल्ली को देखा जाता है और डेवलप सिटी के तौर पर देखा जाता है, लोगों को रोजगार उस सिटी में बहुत ज्यादा है और बहुत अधिक संख्या में बाहर राज्यों के लोग उस सिटी में बसे हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति बहुत अलग है। उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर कोई काम नहीं है और यहाँ के लोग पलायन करके पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, चाहे वो हरिद्वार आए, देहरादून आए, या फिर वो दिल्ली मुंबई जैसे स्मार्ट सिटियों में जाते हैं, वहां काम करते हैं, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिल्ली से तो बहुत अलग है। लेकिन और भी कई मायने हैं दिल्ली से अलग होने के, वो है कि पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, चाहे वो दूर दराज का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ धारचूला का क्षेत्र हो, गढ़वाल मंडल का चमोली माणा का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का कहा जा सकता है क्षेत्र हो, तो ये क्षेत्र है जहाँ कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, मोबाइल टावर बंद हो जाते हैं, जब बर्फ पड़ती है तो वहाँ लाइट नहीं रहती है, तो दिल्ली और उत्तराखंड में बहुत अधिक फर्क है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो फोकस था वो साफ तौर से नजर आ रहा था और उसी फोकस को काम करते हुए नजर आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली की तरह जो क्षेत्र है, जो विधानसभाएं हैं उत्तराखंड की, उन विधानसभाओं पर फोकस कर रहे थे, चाहे वो हरिद्वार जिला हो, उधम सिंह नगर जिला हो, ये वो जिले हैं जो सिटी के तौर पर देखे जाते हैं, मैदानी जिले, और इन जिलों में कहीं ना कहीं किसानी मूल भूत के लोग, जो किसान हैं वो लोग रहते हैं, बाहर के लोग काफी रहते हैं, उत्तर प्रदेश से टच एरिया है उधम सिंह नगर का बहुत सा। लेकिन यही इसी वजह से देखा गया कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, वो केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर तक अपनी रैलियां करते हैं और एक भी पहाड़ पर उनकी ना रैली देखी गई होगी, ना रोड शो देखा गया होगा, ना उनका कार्यक्रम कोई पहाड़ों की तरफ लगा, उनका जो फोकस था वो मैदानी बेल्ट पे था, और यही वजह है कि वो मैदानी में डैमेज बहुत अधिक कांग्रेस और बीजेपी को करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए वैसे तो आप लगातार उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, बखूबी आप उत्तराखंड से हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझसे बेहतर। अगर देहरादून की ही अगर मैं 10 विधानसभाओं की बात करूं तो इसमें अगर ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी और सहसपुर की मैं बात करूं तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत संख्या में
हर साल जो है लाखों सैलानी पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो बहुत सारी खामियां भी उन्हें दिखती है। देखिए जाम की स्थिति से उन्हें जूझना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आती है। लेकिन देखिए प्राकृतिक आपदा को अलग कर दीजिए, जाम की स्थिति तो ठीक कराई जा सकती है और कई सालों से मांग हो रही है ऋषिकेश में या मसूरी में कि जाम की स्थिति को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, वो नहीं हो पा रही है। पार्किंग व्यवस्था उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना विकास होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपका एकदम सही सवाल है। ऋषिकेश एक पर्यटन और योग की कैपिटल कही जाती है और बहुत अधिक संख्या में ना केवल देश के बल्कि विदेश के लोग भी ऋषिकेश घूमने आते हैं, योग करने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो शहर की स्थिति है वो आज भी वैसी है जो 10 साल पहले थी। तो कहीं ना कहीं जरूरत है उसको स्मार्ट बनाने की, उसको बेहतर करने की और उसको सुंदर करने की। जहां तक आपने बात करी मसूरी की, तो मसूरी में कहीं ना कहीं जाम, जब पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं तो देहरादून से लेकर मसूरी तक जाम रहता है और यही वजह है कि उसके बाद पर्यटकों को राजधानी देहरादून में ही पुलिस रोकती है, बैरिकेडिंग लगाती है कि लोग ऊपर ना जाएं क्योंकि वो फंस जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की, यानी 2017 में उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस जाम से निजात दिलाएंगे और रोप वे वो बनाएंगे, लेकिन वो रोप वे अभी तक बना नहीं है। हालांकि कागजों में जरूर वो रोप वे नजर आ रहा है, हकीकत में वो रोप वे नहीं है। पार्किंग की बात करें तो मसूरी में एक पार्किंग जरूर बनाई गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है उस पार्किंग के अलावा राजधानी देहरादून के पास राजपुर रोड के पास एक पार्किंग होनी चाहिए थी कि लोग वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें और उसके बाद जो लोकल्स व्हीकल हैं उनका इस्तेमाल करके मसूरी तक पहुंचे। लेकिन सहजपुर की अगर बात करें या फिर डोईवाला की बात करें, ये पर्यटक की दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं क्योंकि जो सहजपुर है वो किसानों का क्षेत्र है, वहाँ बहुत अधिक संख्या में किसान रहते हैं तो इन क्षेत्रों में पर्यटक नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि चकराता में पर्यटक आते हैं, विकास नगर की तरफ पर्यटक आते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी यही स्थिति है जो चाहे वो ऋषिकेश की हो, मसूरी की हो, चकराता की हो या फिर विकास नगर के क्षेत्र की हो। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि राज्य सरकार को इन क्षेत्रों को डेवलप करने की, और खासतौर से पर्यटक बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड आते हैं तो इन पर्यटन स्थलों को और सुंदर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सुभाष, अभी आपने जिक्र किया कि सहसपुर जो ये सीट है यहाँ पर किसान बहुत संख्या में आते हैं। देखिए इसके अलावा और भी जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी किसान बखूबी भारी संख्या में हैं, और हमने देखा था कि जब किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो रहा था तो उत्तराखंड से भी काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे थे और उसका असर उत्तराखंड में दिखाई भी दिया था। क्या वहाँ का किसान खुश है, क्योंकि 5 सालों में 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं और धामी सरकार अभी जो है कार्यरत है और काम कर रही है, धामी सरकार से कितनी खुशी आम जनता को हो रही है, क्योंकि युवा चेहरा है लगातार क्षेत्र में निकल रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत भ्रमण करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा है कि किसान भी उत्तराखंड में कई प्रकार का है। एक है पहाड़ का किसान जिसको केवल नाम मात्र का किसान है, सीढ़ीनुमा खेत है और उनके पास उगाने के लिए कुछ नहीं है। यदि वो कुछ बेहतर चीजें वहाँ उगाते भी हैं, सब्जियां उगाते भी हैं, तो उसके बाद भी उनको बड़ा खामियाजा है कि जंगली जानवर उनके उन खेतों का नुकसान करते हैं, चाहे वो बंदर हो फिर या जंगली जो भी जानवर है उनके खेतों को खराब करते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को जरूरत थी कि उनके लिए कुछ बेहतर व्यवस्था की जाए, उन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश की जाए ताकि पलायन जो लगातार पहाड़ों से हो रहा है वो रुक पाए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि पलायन पहाड़ों से कैसा रोका जाए, उसके लिए सबसे जरूरी था कि पहले उनके जो खेती है उसके लिए उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मदद की जाए, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए, उनको बेहतर बीज दिए जाए और उनकी जो जंगली जानवरों से सुरक्षा उनके खेतों की कराई जाए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इसके साथ ही दूसरे प्रकार के किसान भी उत्तराखंड में हैं, जो मैदानी क्षेत्र के किसान हैं, जो गन्ना उगाते हैं। उन किसानों की लगातार ये मांग थी कि गन्ना का जो भुगतान है मिल से वो उनको नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अंतिम समय में गन्ना भुगतान किए हैं लोगों को और काफी हद तक जो किसान नाराज थे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी संतुष्टि से क्या राज्य सरकार को लगता है उनको वोट मिल पाएगा, या 14 फरवरी को क्या वो किसान उनके पक्ष में वोट देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जरूर ये है कि नाराजगी 4 सालों में राज्य सरकार से बहुत ज्यादा थी। देहरादून में आप लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, बहुत सारे आपने बातचीत भी किया, बहुत सारे प्रत्याशियों से बातचीत की है, आम जनता के बीच भी आप गए हैं, आम जनता क्या सोचे बैठी है? बिल्कुल कहा जा सकता है आम जनता इस बार कहीं ना कहीं अपने विकास के मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हमने ये देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सोच भी अलग अलग है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो दुकानदार, उनका कहना है कि
जो उनके लिए विकास कार्य करेगा, जिन्होंने 5 सालों में उनके लिए काम किया होगा उनको वोट देंगे, यदि उनके लिए काम नहीं किया तो वोट उनको नहीं देंगे। और कहीं ये ऐसे लोग भी हमको मिले जो कहते हैं कि उत्तराखंड में एक नई पार्टी होनी चाहिए थी, कुछ नया होना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो उठ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। एक बार बीजेपी आती है वो कहती है हम विकास काम करेंगे, एक बार कांग्रेस आती है कांग्रेस कहती है हम विकास कार्य करेंगे, लेकिन करते कोई भी नहीं है। तो हमें एक नई पार्टी की उम्मीद है, यानी कि आम आदमी पार्टी का तरफ रुख वो दिखा रहे थे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो मोदी को बहुत पसंद करते हैं, योगी को बहुत पसंद करते हैं, और मोदी योगी के नाम पर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बहुत अधिक संख्या में बीजेपी को वोट पड़ता हुआ नजर मतलब आ रहा है। उत्तराखंड तक पहुंच सकता है सुभाष? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि यूपी और उत्तराखंड के जो रंग हैं, यानी कि जो मोदी को जो पसंद करते हैं, योगी को जो लोग पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं कमल का बटन 14 तारीख को जरूर दबाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस ने चार धाम चार काम जिस तरीके से पूछे हैं राज्य सरकार से कि आपने कौन से चार काम किए, तो उन चार कामों को लेकर भी अब जनता सोच में पड़ी है कि आखिरकार वो कौन से चार काम है जो राज्य सरकार ने किए होंगे इन 5 सालों में, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी ऐसे कोई बड़े चार काम नहीं बता पाई है जो उन्होंने राज्य हित के लिए करें। लेकिन ये जरूर है कि डबल इंजन की सरकार थी, तो राज्य सरकार ये कहती भी नजर आ रही है कि दोनों इंजनों ने मिलकर काम किया, उन्होंने ऑल वेदर रोड बनाई, उन्होंने पर्यटकों के लिए स्थल बनाए, उन्होंने कहीं विकास कार्य प्रदेश के लिए किए, चाहे वो पेयजल की योजना हो, सड़कों की योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, उसके अलावा अटल आयुष्मान योजना, इस तरीके की योजना जरूर भाजपा के नाते भी नजर आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि 14 फरवरी को देश की जनता किसको पसंद करती है, या फिर बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और योगी पर भरोसा करके वो कमल को जिताती है, या फिर इस बार कुछ अलग होता है, यानी कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है। क्योंकि उत्तराखंड में ये इतना भरोसा है क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दावा ठोक रही है कि 5 साल जनता ने देख लिया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, तो एक बार फिर से जनता ने मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस को हम लेकर आएंगे। रणदीप सुरजेवाला जाती हैं, कहते हैं कि अगर महंगाई को हटाना है तो भाजपा को भगाना होगा, इसका कितना असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो चुकी है, बस 2 दिन का वक्त है। ये जरूर है कि इस बार कहीं बेहतर नारे वो देते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस काफी एक्टिव मोड पर भी नजर आई, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में कांग्रेस में बगावती सुर बहुत ज्यादा थे, ये देखा जाता था कि बगावत आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, 2-2 गुटों में 3-3 गुटों में कांग्रेस प्रदेश की बटी हुई है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक अलग माहौल कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है, और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश बहुत ज्यादा करती हुई नजर आ रही। लेकिन उत्तराखंड का भी इतिहास है कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी की सरकार रहती है, एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, फिर बीजेपी को मौका मिलता है और फिर कांग्रेस को। तो इस लेकिन बार क्या इस बार कांग्रेस का आना तय है क्वेश्चन मार्क के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार किस तरीके से जनता वोट करती है उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि 2017 में उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस फिर रिपीट कर सकती है, लेकिन 2017 के जो नतीजे थे वो बहुत चौंकाने वाले थे, 57 विधायकों के साथ विधानसभा बीजेपी पहुंची और सरकार उन्होंने बनाई। लेकिन इस बार किस तरीके से वो काम करती है, हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी 60 पार का नारा दे रही है कि इस बार हम 60 के पार होंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि वो 60 के पार होंगे या 70 के पार होंगे, ये अभी कहना साफ नहीं होगा, उसके लिए इंतजार 10 मार्च का करना होगा। लेकिन 14 तारीख पर सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार वोट परसेंट कितना होता है, यदि वोट परसेंट बहुत ज्यादा होता है तो कहा जा सकता है कि बीजेपी की कुछ उम्मीद बन सकती है, और यदि वोट परसेंट कम रहता है तो फिर स्थिति कुछ पलट सकती है। चलिए ठीक है सुभाष, आखिर में क्योंकि समय की कमी है, आखिर में बस ये बता दीजिए क्योंकि 2 दिन का समय अब बीच में बचा है, शनिवार रविवार और सोमवार को वोट पड़ने हैं, सुरक्षा व्यवस्था तैयारियां कैसी हैं, बस बहुत शॉर्ट में? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की तमाम तैयारी कर ली गई है, सारी पीएससी को राजधानी देहरादून और जो पोलिंग सेंटर है उन सेंटर में एक बार दिखा दिया गया, पोलिंग सेंटर को भी सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो भी प्रदेश में है, तो कोशिश की जा रही है कि बेहतर तरीके से वोटिंग कराया जाए। और निर्वाचन आयोग की भी पूरी नजरें इस बार सभी बूथों पर नजर आ रही है, चाहे वो दूर दराज का बूथ हो, पहाड़ का, या फिर मैदान के शहर का बूथ हो, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है, पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से रखा गया और किसी प्रकार की कोई चूक ना हो उस पर खास नजर रखी जा रही है। जी चलिए ठीक है, इस बात बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए और 10 विधानसभाओं का हालात बताने के लिए।
तो अगर वोट प्रतिशत ज्यादा होता है 14 तारीख को तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन सकती है। खैर, नतीजे 10 मार्च को आएंगे, तभी स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, कल फिर लौटेंगे अलग अलग विधानसभाओं के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।